या गंदे वक्ता, उसको सास आई नहीं, ननंद आई नहीं, कोई आया नहीं बंदा ना प्यारे लगा किसने पोता पोती का उसने कदे जिक्रा नहीं, जो इसका बाप था उसने भी कदे जिक्रा नहीं, जहाँ पर पैता पी का गंद पड़े बकया करते। साथ में यह बात है भाई हम जिम्मेवार हैं, भेज दो। हम बोले यू बंदा समरण आला नहीं है, इसकी सास को ले आओ, जो वह इतने परेशान कर रही या क्या कराया है, मारी बात नहीं करवाई, हम कंधे बात करवा दो, बात नहीं करी उसने तो हॉस्पिटल में यो कर न कांड, जब भी बात है मारे से ऐसे मुंह ढक लिया था। अभी क्यों नहीं करेगी वो, यहाँ से पकड़ कर नो आखिस को अभी पानी में डबो दे, वीडियो कॉल कर लेंदे, उसका चेहरा उसका टाइम आंसू पड़ते पाते। मैं इसके पाप उसके पाप लाल, हम भी आपके बीच में एक बहुत ही दुखद खबर के साथ पेश हुए हैं, और जो दुखद खबर है आज आप भी पानीपत जिले के भलाना गांव से है, इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि भलाना गांव की जो बेटी है और शेखपुरा में है उनकी शादी है, अभी वो कर दी जाती है। अंजाम क्या होता है दोस्तों, जो लड़की के साथ जो हुआ है वो आप सुनिए, और सुन करके आप हैरान रह जाएंगे, और आप इस वीडियो पर बने रहे, और आप इस वीडियो को आगे से आगे भी से जरूर करें। कि माँ हमारे साथ है और 7 महीने की छोटी सी बच्ची अभी साथ में है, जो ये बच्ची जब पैदा हुई थी तो उसके बाद 20 दिन के बाद बताया जा रहा है कि यहाँ पर सोनिया रही है, और 4-5 दिन पहले ही गई थी, जो ये घटना को अंजाम दी है पंचायत वहाँ की आई थी, पंचायत ने जिम्मेवारी ली थी, और उसके बाद है सोनिया को ससुराल में भेजा गया था। और उसके बाद में जो खबर आई है, एक बुरी खबर है वहाँ से आई है, तो सोनिया की माँ जी है, इनसे बातचीत कराएंगे। ताई जी क्या नाम आपका? ताई जी जब ऊंचा बोलो, थोड़ा ऊंचा बोलो, आवाज़ समझ जाएगी। मेरा बीपी ज़्यादा हो रहा है। अच्छा ताई जी, कितने दिन तक यहाँ पर सोनिया रही थी जब लड़की हुई थी? कितने दिन की जब ये लड़की? सवा भी नहीं जब आप लेके आए थे? लेके आए थे। तो उसके बीच में उनकी बातचीत या फिर उसके सासू और यहाँ पर आई थी देखने? कोई नहीं आया, किसी को बात नहीं करी, वो फोन करता या गंदे वक्ता, उसको सास आई नहीं, ननंद आई नहीं, कोई आया नहीं बंदा। उन्हें ये भी नहीं किया बेटी का बात करा जो कही? एक बार उन्हें फोन किया, एक डेढ़ महीना हो गया घर आ जावा, मेरी लड़की बोली मम्मी जैसे आप बड़ी हो ना बात संभाल नहीं सकते, बोली मैं अपने बेटे को दोबारा ब्याह लूंगी। अच्छा, मतलब जब डेढ़ महीना था जब बोली थी बात? हाँ, और फिर वह बोली मेरी लड़की तेने बोली मैं अपने बेटे को दोबारा ब्याह लूंगी। और पोती के बारे में कुछ कहो, क्योंकि पोती सबने प्यारे लगा किसने पोता पोती का उसने कदे जिक्रा नहीं, जो इसका बाप था उसने भी कदे जिक्रा नहीं, जहाँ पर पैता पी का गंद पड़े बकया करता। उन्हें नहीं बुआ ने कदे पूछी, नहीं कदे माँ दादी ने पूछी, नहीं पापा ने पूछी, किसी ने नहीं पूछी है। मतलब फोन भी एक ही दो बार करे, आए तो हैं भी नहीं देखने? नहीं नहीं, देखने के लिए कोई नहीं आया। तो जब यहाँ से पंचायत आई थी तो क्या कुछ बात हुई थी पंचायत में? पंचायत में यह बात है भाई हम जिम्मेवार हैं, भेज दो। हम बोले यू बंदा समरण आला नहीं है, इसकी सास को ले आओ, जो वह इतने परेशान कर रही, सास भी जरूरी है। फिर वो इस लड़की का दादा लगा था, वह बोले मैं जिम्मेवारी पर ले जाऊँ, हूँ भेज दो। और लड़की को हम पूछते ताछते रहेंगे, उन हमारे को कोई पता नहीं ना, हमारी लड़की के साथ जाकर उन्होंने पूछा भाई इतने कैसे रखते हैं, क्या मार पीट कही है या क्या कराया है, मारी बात नहीं करवाई, हम कंधे बात करवा दो, 2 दिन बात करवा के हमारे से बात करनी बंद कर दी, नहीं तेरा भाई आना चाहिए, नहीं तेरे घर के, नहीं परिवार में कोई नहीं, नहीं मैं बात करने देंगे हम, लड़की ने ये कही है मना मारेंगे। जब आपकी बातचीत हुई लड़की के साथ, उसी सासू से बातचीत हुई आपकी? सासू ने हमारे से बात नहीं करी, हॉस्पिटल मारी थी। नहीं, जब लेके गए थे लेने? नहीं नहीं, उसने कोई बात नहीं करी, जो 2 दिन लड़की से बात हुई सासू ने जब भी? नहीं नहीं, बात नहीं करी उसने तो हॉस्पिटल में, यो कर न कांड, जब भी बात हमारे से ऐसे मुंह ढक लिया था। अच्छा, लड़की ने? हाँ, हॉस्पिटल में गए थे, लड़की ने हॉस्पिटल में ले आई थी मैं, उसको एक बार भी ये नहीं बोला कि या जो होगी होगी, इतना सोनिया को आएगा कि ठीक हो जाएगी, अपनी पोती ने मैं अपने साथ रखूँगी, पोती ने देखा और वह मेरे से नू भी नहीं बोल कर गई, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल में, पोती ने देखा मेरे से कोई बात नहीं की, उन्हें वहाँ से चली गई। तो ऐसी महिला के लिए क्या कहना चाहता हूँ जी, जो अपनी पोती तक भी इतनी बात नहीं कर रही, बातचीत के भी उसने लाड चाह नहीं इतनी? हम तो ये चाहे फांसी की सजा होनी चाहिए। और बट्टे को क्या काम करा है? खेती करा है, दारू पीवा है, खेती करा है, दारू पीवा बेतु की खाट में मुता, खाट में उल्टी, फिर लड़की ने पिटदा कपड़े दो, मेरी लड़की ने ये बोला जो आप बीमार हो तो मैं केयर करूँ,
इसे उसमें जब आप जानबूझ के यहाँ काम करेगा तो मैं कितने दिन दूंगी। फिर उसको पिट दावा सासू यहाँ से चोटी पकड़ लें दी, उन्होंने पानी में डुबोने तक की भी कोशिश करी हमने उससे पहले में। हाँ पहले में अगो जब यह लड़की गुड़िया पेट में थी, अभी क्यों नहीं करेगी वो यहाँ से पकड़ कर इसको अभी पानी में डुबो देवा। मार पिटाई ननद जाए बार आती जाए बार भी मार पिटाई करके जाती, वहाँ से भी मैसेज कर दी अपने भाई के पास, वहाँ जो बकी जानती मेरी लड़की तो वहीं पर क्या करती। और क्यों उस लेन देने का मामला क्या आंटी जी, दहेज दा जा कुछ दहेज का मांग की दहेज में, और हमने सब सामान दिया मेरे लड़के को, कई बार 2.5 लाख रुपये तो एक बार दिए लड़के ने शादी के बाद। शादी के बाद भाई कोई नहीं चल रही, ये अपना काम चला लेंगे। फिर मेरी लड़की हुई बीमार, इस या लड़की पेट में थी, उसको पानी ख़त्म हो गया था, 3 बार एडमिट हुई, सारा पैसा मेरे लड़के ने लगाया, मना कर गए मैं। फिर या लड़की होगी वो पैसा लगा, उसने ननद ने कही डॉक्टर नहीं था आमी साहब नहीं करेंगे, इसका भाई साहब करेगा, उसको बुलाओ। मेरी लड़की बोली मेरे भाई को धरती खरीदी थी और लगांदा लगांदा यहाँ तक आ लिया, मेरा भाई कहाँ तक देगा। वह फिर भी मना करके पैसे नहीं दिए उनने, वह फिर भी मेरे लड़के को लगाए पैसे। ये जो यू कांड कराया ये भी लड़के को लगाए, हम बाज गए फरार हो गए, लड़के ना लगाने पड़े सभी। शादी के कितने दिन बाद मतलब उनका आपस में झगड़ा शुरू हो गया था? माँ उन तो 2-3 महीने बाद लग गए थे वहाँ। अच्छा 3 महीने बाद, मतलब अपने बेबे ने बताया हुआ किस प्रकार की बेबे मतलब? तो नू सोचा गई एक मेरा घर बस जाएगा, मैं वान दी हम नू कंधे बे तू तेरा मन खुश नहीं है, नू कंधी ना खुश हूँ मैं, मखा बेटे कोई दिक्कत हो बताओ। वो उसने बताई नहीं एक भाई चलो मेरा घर बस जाएगा, कदे समर जाऊँगे। जब वह ज़्यादा तंग से घनी ज़्यादा तंग कर ली, फिर लड़की बताने चली मैंने ये मेरा घर नहीं बसने देंगे, ये मेरे मन मारेंगे। मेरे साथ झगड़ा और टाइम रहता, 4-4 दिन की भूखी रही है मेरी लड़की, किसी ऐसे परिवार से उन जाकर लड़की ने नू भी नहीं कही मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, मैं भूखी हूँ। तैसे आम फोन करते बेटी तू ठीक है, खुश नहीं है तेरा चेहरा, वो वीडियो कॉल कर लेंदे उसका चेहरा, उसका हर टाइम आंसू पड़ती पाती। मैं इसके उसके पापा को बोलती तू इतनी या सोनिया खुश नहीं है, यो कहता कोई नहीं वो बालक ना रखा जा कर माँ बाप देख कर। फिर आ गई वहाँ का बेटे के बात तो कती कदे खुश नहीं, इतनी कमज़ोर पड़ गई वहाँ, ऐसे कती मुझे मारा है धमकी देवा है, मैंने बहुत तंग करा है, ये भी इतने पैसे ले दे इतने ले दे, वह मेरे लड़के ने देने में कसर नहीं छोड़ी, उन्हें नहीं ना किती लिखवाए नहीं, ये भाई बाण कर यो बस लेगा। मुझे 2.5 लाख एक बार दिए मेरे लड़के ने, जहाँ बार बीमार हुई सारे मेरे लड़के ने लगाए, उन्हें एक बार पैसा नहीं लगाया। कितने दिन शादी के कितने दिन के बाद है जो पैसे देने शुरू करे थे आपने? पैसे तो 2-3-4 महीने बाद तो उन्हें 2.5 लाख रुपया नगद मांगा है, वो भी गया। फिर या लड़की पेट पड़ गई हम सारे लड़के ने लगाए हैं, फिर या जन्म लिया हम सारे लड़के ने लगाए हैं, वह जब भी पैसा देना था मना कर गए। वीडियो कॉल जो करा सोनिया पे फोन था या फिर उसके पति के फोन से करा दी? फोन सोनिया पे था, वो फिर ऐसे बोला नहीं तो फोन रखने दूंगा तेरे माँ बाप से, किसी से बात नहीं करने दूंगा, नहीं तेरे भाई को भाभी को माँ बाप को किसी को यहाँ आने दूंगा, नहीं तो न जाने दूंगा। फिर वो लेने आए हुआ उस दिन, वो फोन लड़की का यहीं रह गया था, वहाँ बोले हम जिम्मेवार हैं यूँ समझ जाएगा, तुम इसको ऐसे देखो अक भाई यू कितने दिन वो रखा है, हम बोले भाई यूँ समझ जाओ, हम अपना आना जाना भी बंद कर देंगे लड़की का, हम फोन भी नहीं कहेंगे। लड़की फोन भी अंदर गई, अक तू दारू पीनी छोड़ दे, मन तंग करनी छोड़ दो, मार पिटाई मैं अपने घर के आता बात नहीं करूँगी, तुम तंग कर रहे हो मजबूर कर रहे हो, हम अपने घर के आता बात नहीं करूँगी। या छोटी सी फूल सी बच्ची है, बिल्कुल माँ के लिए तड़प रही है, तड़प रही है जी। एक आपने भी अपने पोता पोती कितना प्यार है? हमने अपने पोता पोती तो इतना प्यार है, काम अपने पेट में डाल लेंगे ना, इतना प्यार है। लेकिन एक वो इनकी इसकी दादी है जो पूछ भी नहीं रही है, डैन है, दादी नहीं है, वह डैन है। जो दादी होगी तो उसने प्यार होगा, बच्चे तो डांड ना प्यार नहीं होगा। उन्हें जब लड़की मेरी खा ली अपनी पोती तोड़ कर बगा दी, डांड है क्या हवा? मतलब अपनी पोती के लिए भी नहीं बोला, नहीं पोती को भी ना बोले, पोती को उन्हें 3 दिन की पोती थी जब नहीं पकड़ी थी हॉस्पिटल में, कुछ नहीं बोला उसने।
जिस तरह से अपनी सोनिया के साथ इस तरह की घटना घटी है और इस तरह की सोनिया बेट ना चढ़े, तो क्या कार्रवाई की मांग करो कि उनको इस तरह की जो सजा मिलनी चाहिए? अगर हम तो या सजा मां फांसी होनी चाहिए चारों की। उसकी जो ननद थी सोनिया की, उसका भी हाथ है कुछ? हाँ, उसका हाथ शामिल है, उसके बगैर एक कदम भी ना वहाँ से रखी थी ना शादी कर रखी, वहाँ तो भी मजबूर कर रही थी, आंधी एक भी ना रह कर जानती, जब मार पीट वहाँ जो जितना सामान था सारा काट ले जाया कर दी। ये वह बोल दी मम्मी यो भी ले गए बेटे, कोई बात नहीं उन्हें ले जान दो, आम और दे देंगे आम न, मतलब लड़की न पूरा पूरा अभी तेरा घर बस जा उन्हें बस आनी। वहाँ से मैसेज करती कदे कैसे करती, इसको मत रखना, इसने ऐसे करो, इसको खाना मत देना, इसको नू मत देना। सुनिए ननद क्या करती? हाँ, ननद क्या करती? आपकी माँ को क्या करती वो? उसकी माँ अपनी मम्मी ने कंदी। हाँ हाँ, मतलब उसकी ननद है जो, हाँ, उसकी अपनी मम्मी ने क्या करती? अरे तू क्या मांगा है, घर भी मेरा और जमीन भी मेरी, तेरा कुछ नहीं है यहाँ। तो ताई जी, सोनिया आप मरी है या ससुराल वाले ने मारी? उन्होंने दाब के जहर गिरा है माँ बेटे ने, जबरदस्ती गिरा जी। आप अपने बच्चे ने, आप भी बच्चे आड़े हो गए, अपने बच्चे पे तो कितना प्यार है, अपने बच्चे ने इतनी मासूम सी बच्ची ने छोड़कर, जिसने वो एक सेकंड का इतबार नहीं करा, इसको छोड़कर जहर कौन पी लेगा? दाब का जहर गिरा जा रहा है, माँ बेटे ने दाब रखी है, जब जहर गिरा जा रहा है। और आपके पास बताओ सूचना भी पड़ोस वाले ने दी है? पड़ोस वाले ने दी है, उसके परिवार ने या घर ने? हाँ, पड़ोसिया ने सूचना दी है, हमने फिर पता चलने के बाद इतना फोन कर दिया, इतना माँ बेटे के पास हमारा फोन नहीं उठाया। हॉस्पिटल में गए हमारे साथ, वो भी नहीं बोला, मेरी बहू तो बोला नहीं, मेरे बेटे तो बोला नहीं, मैं गई मेरे से बोला नहीं। हम तो इतना हो रहा, हम तो अपने हॉस्पिटल में अपनी बच्ची के लिए तड़प रहे, वो दारू पी रहा, फिर भी वहाँ कहीं टाइम भी शराब पी रहे। हाँ, उस टाइम शराब पी रहे, फिर कहीं कुछ ले आकर खा रहे, कुछ आम बच्ची के लिए तड़प रहे, मारा तो अभी नहीं चढ़ रहा, उन्होंने होटला पर ले आकर खाया, फिर भी दारू भी पी, वहाँ भी शराब पी। क्या नाम है उसका, बटेव का और उसकी सास का? बटेव का अशोक का, सास का सावित्री है, नणंद का रेखा है, नणंदोइये का नरेंद्र है। नणंदोइये का भी उसके साथ में कुछ हाथ है? नणंदोइये का साथ था ये तो, हमने क्या पता, जब हमारे पड़ोसिया ने मैसेज करा, वो पहले साथ था उनके साथ बना, यू काम हो नहीं रहा। वहाँ वहाँ नू दिखा गए भाई माँ बाप, वहाँ तो दोनों कर गए काम, हुआ तो वहाँ तो शामिल थे। कौन से गांव में ब्याह की लड़कियाँ बनी? मेरी लड़की गरोंडे के पास शेखपुरा, करनाल से। तो क्या कार्रवाई चाहो आप उनके ऊपर, जो किस किस के नाम आपने लिखा है उसमें? मैं नणंद नणंदोइया बटेऊ ससू। आप तो कह रहे हो कि बेटा और उस माँ ने दोनों ने दाब कर दिया? हाँ, दोनों ने दाब, उन दो के नाम फिर क्यों लिखवाए? किसके? जो नणंद और तंग करते थे। अच्छा, उसको बहुत तंग करते थे, वहाँ भी उड़े थे भी करते, आंधी जब भी करती, दोनों के हाथ में है, परेशान कर दे, दोनों के हाथ में है, प्रेस करना, परेशान कर वा कर रखी थी, परेशान ज़्यादा उन्होंने दो या भी आता मन कह दें दी मेरी लड़की, उसको नाम तो नरेंद्र है, छोटू बोलते हैं उसको, नंदोइये को, छोटू मेरे साथ तू खड़ा हो ले, यू तो जैसा है पीवा है, चलो मेरा घर बस जाएगा, तू मेरे साथ खड़ा हो ले, या तू इसको धमकावेगा, या इन्हें किसी से दुआई दुआ दे, यू घर बस जाएगा, नहीं तुम ये भी काम नहीं कर दे भाई, मना साथ दो है, मैं अपना घर बसा लूँगी। उसने यह बोला, तेरा क्या है, अपने घर चली जा। अच्छा, जो उसका नणंदोइया था, हाँ, वो ये क्या करता? हाँ, ये कही तेरा क्या है, यहाँ जमीन भी मेरी है, और बुढ़िया को कहने की कोई जरूरत नहीं है, अपने घर चली जा। मेरी लड़की ने ये बात कही, घर कब तक करूँगी मैं, घर तो एक मेहमान बनकर तो जाऊँगी, घर तो मेरा यही है, यहाँ कद लगूँगी, भाई ने ब्याह दी, इतना भाई ने दे दिया, मैं क्या भाई को नहीं हुआ बोली, मेरे साथ फिर मेरा भाई खड़ा होगा, मेरे भाई तभी तोड़ोगे तो मेरा क्या है। अकबे वो बोला, तेरा कुछ नहीं है, यहाँ अपने घर चली जा। नणंदोइये ने कही है, या लड़की होने के बाद, लड़की हो रही वो पी लिया भी जा लिया सारे काम, जिस दिन वो अपनी बहू ने उड़े लेना हुआ रेखा ने, उस दिन मेरी लड़की तो उसको यूज अब दिया, तेरा क्या है, अपने घर चली जा बोला।